सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डी डॉट डिजाइंस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी डॉट डिजाइन। इस वीडियो में हम लोग टेनिस बॉल बनाने सीखेंगे, देखेंगे कैसे टेनिस बॉल बनता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड एज हम लोग ओपन कर लेते हैं, उसके बाद सिंपली हम लोग न्यू में क्लिक करते हैं। न्यू में क्लिक करने के बाद एक आइसोमेट्रिक पार्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे मोड चेंज कर लेंगे। हम लोग ऑर्डरेट मोड में चले जाएंगे, उसके बाद एक स्केच सेलेक्ट करेंगे। स्केच सेलेक्ट करने के बाद एक प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इस पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जितना डायमीटर का आपको बॉल बनाना है तो हम इस सर्कल पे, तो हम मान लेता हूँ एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका डायमीटर है 80 mm, तो यहाँ से हम लोग 80 mm दे देंगे। देन लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद सिंपली इसे पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन करने के बाद इस पार्ट को ट्रिम करके रिमूव कर देंगे। देन इसको हम लोग रिवॉल्व कर देंगे। रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्लोज स्केच करना पड़ेगा। क्लोज स्केच करने के बाद सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं रिवॉल्व कमांड एक्टिव हो गया। उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्केच को सेलेक्ट करेंगे, देन एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे। एक्सिस को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये रिवॉल्व हो रहा है। देन हम लोग एंगल दे देंगे, एंगल देने के बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके ये देखिए सिंपली ये एक बॉल बन गया। अगर आप ये सारी चीज़ सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे इसे रिवॉल्व किया, कैसे स्केच बनाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा पहले वाला वीडियो से आप सीख सकते हैं। मैं वहाँ पे कंप्लीट डिस्क्राइब करके बताया हूँ एक एक पार्ट, एक एक चीज़ के कैसे हम लोग स्केच बनाते हैं, कैसे हम लोग डायमेंशन देते हैं, कैसे ट्रिम करते हैं, कैसे इसे रिवॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ मैं वहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे हम लोग टेनिस बॉल बना सकते हैं। तो अगर आपको कुछ सीखना हो कि कैसे हम लोग रिवॉल्व किए, कैसे प्लान सेलेक्ट किए, कैसे हम लोग डायमेंशन दिए, तो आप सिंपली मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैं एक एक कर पार्ट बाय पार्ट मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देंगे। उसके बाद कोई एक हम लोग स्केच सेलेक्ट करेंगे। स्केच सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कोई एक प्लान सेलेक्ट करेंगे। मान लेता हूँ मैं फ्रंट प्लान को सेलेक्ट किया। फ्रंट प्लान सेलेक्ट करने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेता हूँ मेरा जो ये लाइन है वो यहाँ से यहाँ है। इसे मैं एक प्रोफाइल बनाने के लिए कर रहा हूँ। उसमें जो कट सेक्शन रहता है टेनिस बॉल में, वो प्रोफाइल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो सिंपली एक प्रोफाइल ड्रॉ कर लेता हूँ जिस प्रोफाइल का आपको कट लगाना हो। मैं ये सारे चीज़ भी पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं सिंपली अभी यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वाले वीडियो मेरा देख सकते हैं कि कैसे मैं वहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। उसके बाद सिंपली हम लोग इसे टेंजेंट कर देंगे इस कर्व को, इस लाइन के साथ। आप यहाँ देखिए टेंजेंट हो गया। टेंजेंट होने के बाद कि इसको मिरर कर देंगे। तो मिरर कैसे करते हैं, यहाँ से हम लोग मिरर कमांड लेंगे। मिरर कमांड लेने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो इस एक्सिस पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मिरर हो गया। मिरर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप इसे देख सकते हैं ये सेंटर पे हुआ। तो हम लोग को सरफेस पे कट रहता है तो सरफेस पे लाना पड़ेगा। तो सरफेस पे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं, इसे क्लोज कर देता हूँ इस स्केच को। स्केच क्लोज करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे सरफेसिंग पे आएंगे। सरफेसिंग पे आने के बाद हम लोग यहाँ से करेंगे प्रोजेक्ट कर लेंगे सरफेस पे। तो यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग स्केच को सेलेक्ट करेंगे जिस स्केच को प्रोजेक्ट करना है। देन हम लोग राइट क्लिक करेंगे, देन हम लोग सरफेस पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर राइट क्लिक करेंगे तो हमसे देखिए ये डायरेक्शन मांग रहा है, तो हम लोग को इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इस डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ देखिए ये प्रोजेक्ट हो गया। देन सेम आप इस साइड भी कर सकते हैं। मैं स्केच जो मैं प्रोफाइल बनाया था उसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद सरफेस सेलेक्ट कर दिया, मुझे इस साइड करना है। इस साइड सर्फेस सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए डायरेक्शन मांग रहा है, तो मैं सिंपली इस साइड सेलेक्ट कर दूंगा। ये देखिए ये प्रोफाइल प्रोजेक्ट हो गया सरफेस पे।
आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो मैं पहले वाला स्केच था उसे मैं हाइड कर दूंगा। आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब सिर्फ ये देखिए, ये स्केच बच गया। ये स्केच बनाने के बाद हम लोग इसको ड्राइव कर देंगे। ड्राइव करने के लिए सिंपली ड्राइव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो मेरा स्केच था सबको ज्वाइंट कर लेंगे। सारे स्केच को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं मानता हूँ फ्रंट स्केच में जाऊँगा। स्केच में जाने के बाद एक प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा, मानता हूँ मैं फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट पे। आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। मैं इसका डायमेंशन दे देता हूँ। ये रहा इसका डायमेंशन। डाया है 10 mm, तो मैं इसे कर देता हूँ 8 mm। ये देखिए सर्कल हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्लोज स्केच करेंगे। क्लोज स्केच करने के बाद इसे फिनिश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से करेंगे हम लोग स्वीप कट लगाएंगे। हम लोग यहाँ से स्वीप कट करेंगे। स्वीप कट करने के लिए सिंपली हम लोग स्केच को सिलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। देन हम लोग जो स्केच बनाए थे उस स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्वीप हो गया। हम लोग यहाँ से फिनिश कर देंगे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे। आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए पूरा स्वीप कट हो गया। जो बॉल में जो दाग रहा था व्हाइट कलर का, वो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग व्यू में आएंगे। व्यू में आने के बाद इसमें हम लोग कलर दे सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप यहाँ से, हम लोग जो प्लान है मेरा, मैं उसे हाइड कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए मैं सब लाइन को मैं ऑफ कर दिया। अब ये मेरा बॉल रेडी हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पार्ट पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मटेरियल टेबल है। मटेरियल टेबल ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से जो भी मटेरियल चाहिए वो यहाँ से हम लोग अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ से अगर स्टील खोलूँ तो स्टील का बहुत सारा टाइप है। मैं अभी मटेरियल अप्लाई नहीं करता हूँ, तो सिंपली इसे कैंसिल कर देता हूँ। अगर इसमें कलर अप्लाई करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ से जाएंगे पार्ट पेंटर पे। पार्ट पेंटर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा टाइप है कलर का। जो कलर आपको अप्लाई करना है वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले करता हूँ व्हाइट क्लियर, व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर को मुझे कहाँ अप्लाई करना है, इस ग्रुप में करना है और इस ग्रुप में करना है। देन मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए पूरा ग्रुप में व्हाइट कलर हो गया। और फेस पे हम लोग को क्या करना है, ग्रीन कर देता हूँ। मैं ग्रीन कलर लूंगा, ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर रहा, मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही ग्रीन है, मैं इसे दूसरा ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं और यहाँ से चेंज कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ भी सिलेक्ट कर लूँगा। आप यहाँ देखिए ये टेनिस बॉल रेडी हो गया मेरा। आप देख सकते हैं इसी तरह टेनिस बॉल रहता है। आप यहां देख सकते हैं कि ये मेरा बॉल रेडी हो गया। तो अगर आप ये सारे कमांड मैं कैसे किया देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं। मैं वहां पे सारे चीज़ को बताया हूँ कि मैं कैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी कमांड का कैसे यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा। उसके बाद हम लोग होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद ये देखिए ये मेरा टेनिस बॉल रेडी। तो इस तरह आप टेनिस बॉल बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।